राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। एमएनआईटी के निदेशक प्रोफेसर नारायण प्रसाद पहाड़ी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। समारोह में राष्ट्रपति विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान करेगी। और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रपति जी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। जी महेश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर के दौरे पर हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ प्रोग्राम है? जी महेश। देखिए, एमएनआईटी का जो 18वां दीक्षांत समारोह है वो आज यहाँ एमएनआईटी परिसर में आयोजित किया जा रहा है और 11:30 बजे इसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाली हैं। दीक्षांत भाषण उनका यहाँ पर होगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बतौर सम्मानित अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जहां तक दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो शैक्षणिक सत्र जो 2023-24 है उसके लिए बीटेक, बीआर, कैमटेक समेत जो पीएचडी की डिग्रियां हैं वो यहां दी जाने वाली है। इस बार कुल 1361 जो डिग्रियां हैं उसमें से 805 स्नातक की है, 477 मास्टर और 79 जो डिग्रियां हैं डॉक्टरेट की जो डिग्रियां वो शामिल इसमें की गई है। एमएनआईटी जयपुर में पहली बार जो डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग गोल्ड मेडल है वो अवार्ड यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला है। समारोह को लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर काफी तेज दिखाई दे रही है। सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो काफी कड़े और जो निगाहें हैं यहाँ पर जवानों की वो काफी चौकस दिखाई दे रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर जिस तरह से पुलिस के जवानों ने है वो मोर्चा संभाल रखा है, एयरपोर्ट से लेकर के कड़ी सुरक्षा है वो यहाँ पर रहने वाली है। जिस तरह से मैडम प्रेसिडेंट का जो प्रोग्राम है उसकी अगर हम बात करें तो 11:30 बजे से 12:30 बजे करीब 1-1.5 घंटे का जो कार्यक्रम है वो एमएनआईटी में रहेगा। उसके बाद में यहाँ से करीब 4 बजे, शाम के 4 बजे जो है मैडम प्रेसिडेंट यहाँ से प्रस्थान करेगी इंदौर के लिए, और इससे पहले यहाँ जो एमएनआईटी का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगी, विद्यार्थियों के बीच में रहेंगी और उनको जो दीक्षांत भाषण है, जो डिग्रियां हैं वो देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी जी महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।